Hey guys, assalamu alaikum, welcome to Aiman Vlogs. So, आज की स्ट्रीम में मैं लेके आ गई हूँ हॉरर डेयर्स पार्ट 3, क्योंकि मैंने अपने हॉरर डेयर्स पार्ट 2 में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं पार्ट 3 ज़रूर बनाऊंगी और मैंने व्यूज़ का टारगेट रखा था जो कि अब पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. बस आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो. सो आज फाइनली वो प्रॉमिस निभाने का टाइम आ चुका है. सो आज मैं फिर से करने वाली हूँ हॉरर डेयर्स, वो भी एक्सट्रीम तरीके से, मतलब मोर एक्सट्रीम. सो आज तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, आप लोगों को तो पता ही है. सो, बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अभी जो आप इंट्रो में पढ़ेंगे वो ज़रूर कर दीजिएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब फाइनली टाइम आ गया है फर्स्ट डेयर का. सो अब मैं चूज़ करने लगी हूँ, मैं फिर से अपना ये लेके आ गई हूँ और इसके अंदर मोर एक्सट्रीम डेयर्स है जो कि आप शायद सुन के भी डर जाओगे. सो अब मैं पहले इसको शफल कर लेती हूँ और इस बार आई प्रॉमिस मैं सारे डेयर्स करूँगी. गाइज, ये वही डोर है जिसमें मेरे लास्ट डेयर्स के पार्ट में जब ये बंद नहीं हो रहा था. सो अब मैं इसमें से एक चिट को पिक करती हूँ. अब देखो इसमें, सो मैंने चिट पिक कर लिया, देखते इसके अंदर क्या निकलता है. रीड टोमिनोज हेल्थ पोएम. टोमिनोज हेल्थ पोएम एक कर्स्ड पोएम है गाइस, जिसको अगर आप पढ़ो तो आपका कुछ नुकसान हो सकता है. सो मैं भी आपको दिखाती हूँ और वो बहुत ज़्यादा स्केरी पोएम है. सो उसको बोला जाता है कि उसको ज़्यादा जोर से, इस तरह मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, उतनी ज़ोर से नहीं पढ़ना, मतलब दिल में पढ़ना है. इस तरह मैं भी आपसे ऐसे करूँ, मतलब कि मैं दिल में कुछ कह रही हूँ अपने आप से. अगर आपको इसको ज़ोर से नहीं पढ़ना है इस पोएम को, वरना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कोई होगा या कोई चीज़ लॉस्ट होगी, मतलब आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ. सो इस पोएम को आपको लाउड नहीं पढ़ना है. सो मैं आपको एक दफ़ा कन्फर्म भी करके दिखा दूँ, क्योंकि एक ये कर्स्ड पोएम है. उर्दू में तो मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, लेकिन हिंदू कहते हैं शापित पोएम है. सो वो है, मतलब कर्स्ड पोएम है, तो इसको नहीं पढ़ना चाहिए. सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ. सो गाइज, आप देख सकते हैं ये है टोमिनोज हेल्प पोएम, जिसको कर्स्ड माना जाता है. और आप देख सकते हैं उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, द पोएम दैट कर्सेस एंड किल्स पीपल. मतलब अगर कोई इस पोएम को लाउडली पढ़ता है, ये देखो, टोमिनोज हेल्प, द कर्स्ड पोएम नॉट मीन टू बी रीड आउट लाउड. लाउड नहीं पढ़ना चाहिए इसको. मैं भी लाउड नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मैं अपनी फैमिली को अपने आप को खतरे में नहीं ला सकती. सो मैं भी इसको दिल में पढ़ूंगी और आप लोगों को भी अगर पढ़ना है तो आप अपने दिल में ही पढ़िए, किसी के सामने ज़ोर से मत बोलिए. सो चलिए मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ ताकि आप लोग पढ़ पाएँ और मैं भी दिल में पढ़ूंगी. सो गाइज, ये पोएम जैपनीज़ में है लेकिन इसका इंग्लिश वर्जन मैंने किसी तरह निकाल के ढूंढ लिया है. सो अब आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ती हूँ. सो गाइज, आप देख सकते हो कि ये टोमिनो है, मतलब उसका फेस ऐसा दिखता था सॉरी. सो गाइज, अब मैंने दिल में टोमिनोज हेल्प पोएम पढ़ी एंड आई फेल्ट सो मच बैड. मुझे लिटरली आई एम लिटरली जस्ट मुझे रोना आ रहा है. आई रियली बैडली टू क्राई.
बिकॉज मुझे बहुत अफसोस हुआ जो टॉमिनो के साथ हुआ, बेचारा उसकी बहन के साथ हुआ. मतलब दिल को अजीब सा होता है, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए. आपने भी पढ़ी, मतलब ज़ोर से मत पढ़िएगा, मतलब दिल दिल में मैंने भी पढ़ी. आपने जब पढ़ रहे थे तो आपको मेरी आवाज़ आई नहीं ना, मैं भी दिल में पढ़ रही थी जब मैं आपको दिखा रही थी. तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हुआ टॉमिनो के लिए. आई होप जस्ट कि वो पीस में हो. सो अब चलते हमारे सेकेंड ईयर पे. सो गाइज, अब हमारे सेकेंड ईयर की बारी है. सो एक दफ़ा मैं इसको शफल कर लेती हूँ ऐसे. सो अब मैं इसमें से एक चिट को पिक करती हूँ, ये वाली चिट है. सो देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है. आई एम लिटरली सो मच स्केयर्ड. ला यूरुना चैलेंज. सो इसको करने के लिए हमें कहीं नहीं जाना है, बस यहीं सीधा बैठना है. सो इसके लिए हमें करना ये होता है कि हमें 6 times बोलना होता है ला यूरुना ला यूरुना ला यूरुना. अगर वो फिर भी नहीं आती है सो देन हमें बोलना होता है ब्रीथिंग मूवमेंट. वी नो व्हाट शुड बी टू यू वीपिंग वुमन, वी नो वट यू डिड टू यू. हमें ये बोलना है 6 times. अगर वो तब भी नहीं आती है सो हम सक्सेसफुल होते हैं. वो नहीं आई मतलब. लेकिन अगर वो तब आ गई तो वो आपको मार के चली जाती है. सो असल में उसकी स्टोरी ये है गाइस कि उसने खुदकुशी कर ली थी, यानी कि उसने अपने बच्चों को और अपने आप को ना तालाब में डुबा के मार दिया था. सो तब से उसको इस बात पर काफ़ी अफसोस है. सो तब से अगर हम उसको कहते हैं, ये बेबी ब्लू जैसी एक स्टोरी है, तो ये भी एक ऐसी है. ला यूरुना उसका नेम है और वीपिंग वुमन क्योंकि वो आज भी रोते रोते अपने बच्चों को ढूंढती है. सो ये काफ़ी ज़्यादा स्केरी स्टोरी है. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चैलेंज. सो अब मैं 6 times बोलने वाली हूँ ला यूरुना. सो आप लोग भी काउंट करो गाइस. मुझे लिटरली बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना. ला यूरुना ला यूरुना ला यूरुना ला यूरुना ला यूरुना ला यूरुना ला यूरुना. अब तक तो कुछ नहीं हुआ गाइस क्योंकि मैंने इसकी बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी हैं और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है. बिग कर्स्ड वुमन है. तो अब हम इसके सेकंड स्टेज पे चलते हैं. इसमें हमें बोलना है 6 times वीपिंग वुमन आई नो व्हाट यू डिड टू मी. 6 times हमें बोलना, हमने 6 times ही बोलना है. सो देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता. सो बोलते हैं वीपिंग वुमन आई नो व्हाट यू डिड टू यू. वीपिंग वुमन आई नो व्हाट यू डिड टू यू. वीपिंग वुमन आई नो व्हाट यू डिड टू यू. एक तो मेरा पैर सोफे के नीचे, टेबल है उसके नीचे, और मुझे इतना डर लग रहा है कि मेरा पाँव पकड़ के ना ले जाए मुझे. सो मैं पाँव अपना ऊपर कर लेती हूँ. वीपिंग वुमन आई नो व्हाट यू डिड टू यू. वीपिंग वुमन आई नो व्हाट यू डिड टू यू. वीपिंग वुमन आई नो व्हाट यू डिड टू यू. गाइस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पीछे किसी ने हाथ रखा हुआ लिटरली. मुड़ के देखूँ क्या आपको नज़र आ रहा है कोई पीछे? लाइक कर देना पसंद आए क्या कह रहे हो अगर कोई मुझे दिखे तो. मुड़ती हूँ गाइस, देखती हूँ कुछ है या नहीं. मुझे आई स्वेयर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पीछे किसी ने हाथ रखा हुआ. कुछ भी नहीं है गाइस, मेरा वहम था. लेकिन वीपिंग वुमन या ला यूरुना जो भी आप कहो वो नहीं आई. सो मैं इसमें सक्सेसफुल होती हूँ कि वो नहीं आई. सो अब चलते हैं हमारे थर्ड ईयर पे. सो गाइस अब बारी है हमारे थर्ड ईयर की. थर्ड ईयर की. सो इसमें हमारे पास सिर्फ 2 चिट्स बची हैं. तो उनमें से जो हमें मिलेगी वो हमारी लास्ट चिट होगी. भाई आपको कुछ आवाज़ आ रही है? मे बी ये मेरा वहम है. सो अब मैं इसको शफल करती हूँ और अब इसमें से एक चिट पिक करती हूँ. सो ये मैंने एक चिट पिक कर ली है. सो देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है.
गाइस ये तो चिट्स है, मुझे इनमें से डर लग रहा है कि मैं इनको शफल करूँ या ना करूँ। सो एक वो लेके ना इसको शफल कर देती हूँ। सो मैं ये वाली ले रही हूँ, देखते हैं इसमें क्या निकलता है। Go to the haunted room for 5 minutes. मतलब कि मुझे एक हॉन्टेड रूम में जाना है, जो कि मेरे ख्याल में तो यही वाला रूम है। सो चलो फिर चलते हैं बिना किसी देर के, इसमें मुझे 5 मिनट्स स्पेंड करने, तो देखते हैं कि मैं कर पाती हूँ या नहीं। और ये मेरा लास्ट डे है बाय द वे, क्योंकि आपको पता है गाइस इससे पहले मैंने हॉरर डेज पार्ट 3 शूट किया था, जो कि 25 मिनट की वीडियो थी। मेरे फ़ोन की मेमोरी भी ज़्यादा है, उसमें मैंने टॉकिंग टू एंजेला चैलेंज किया, डोर चैलेंज किया, एंड आप बिलीव नहीं करोगी वो वीडियो ही मेरे फ़ोन से डिलीट हो गई। कल मुझे वो अपलोड करनी थी, जिसकी वजह का मैंने टंग ट्विस्टर चैलेंज किया, और आई डोंट नो वो कैसे डिलीट हुई। गाइस मैंने डिलीट नहीं की, और इसी जगह पर मैंने की थी, और टॉकिंग एंजेला में मेरे साथ बहुत बुरी बुरी चीज़ें हुई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। सो चलो उसको छोड़ते हैं, इसलिए मुझे नई शूट करनी पड़ी सिर्फ आप लोगों के लिए। गाइस तो लाइक लाजमी करना। चलो अब अपना लास्ट डेयर करते हैं। सो गाइस यही है वो हॉन्टेड रूम जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। एंड लिटरली यहाँ की मैं लाइट्स ऑन करके खड़ी होंगी, वरना नहीं खड़ी हो पाऊंगी मैं यहाँ पे। गाइस एक सेकेंड। सो गाइस अभी मैं अंदर जा रही थी, और यहाँ पे एक टेक्निकल डिफ़िकल्टी हो गई थी, मतलब कि कुछ अजीब सा फील हो गया था, तो इसलिए मैं वापस आ गई थी। सो लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, मैं अपना लास्ट डे कम्प्लीट करूँगी और मैं इस रूम में जाऊँगी। सो लेट्स गो। सो गाइस मैंने रूम की लाइट्स को ऑफ कर दिया है, ऑन कर दिया। देखिए गाइस मेरा दिमाग ख़राब हो गया इस रूम में आते थे, और मुझे 5 मिनट्स यहाँ रहना है। ये रूम बहुत पुराना रूम है, इस रूम में बहुत कम आते जाते हैं, एंड इट्स सपोज टू बी हॉन्टेड फॉर मी एंड माई फैमिली। मैं आपको इस रूम की हालत दिखाती हूँ गाइस कि ये रूम है कैसा। अगर कभी मुझे, अगर आप इस वीडियो पे आए 65 व्यूज, देन मैं इस रूम के ऊपर भी पूरी बताऊंगी कि ये रूम क्यों सपोज टू बी हॉन्टेड, कि क्यों मैं इस रूम को हॉन्टेड मानती हूँ, इसमें मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो मैं आपको पहले रूम दिखाती हूँ, मैं बिल्कुल अकेली हूँ और गेट भी बंद है, सो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज आप इस रूम की हालत देखो, इसमें से हमारा पुराना सामान पड़ा है, और ये खिड़की हर वक्त खिलती रहती है, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। इसके साथ ये अटैच पाथ है इसका, और ये इसका डोर है बाहर जाने का रास्ता। मेरा कैमरा गाइज अब देखो खुद ही फोकस हो रहा है। अभी मैं इस रूम में एंटर होने से पहले मैंने आने लगी, तो मेरे कैमरे ने फोकस कर दिया, तो मैंने कहा शायद मेरे फ़ोन की सेटिंग्स ख़राब है। बट पूरी वीडियो पे कैमरे ने गाइज आपने देखा ना कहीं फोकस नहीं किया, लेकिन इस बार कैमरे ने फोकस करा, मतलब आउट कर दिया। सो बस मुझे यहाँ पे टाइम पूरा करना है और मैं चली जाऊँगी यहाँ से। गाइज मेरा टाइम पूरा हो गया, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। सो गाइज अब मैं रूम से बाहर आ गई हूँ, मेरा टाइम पूरा हो गया था। इट वॉज ऑल्सो वेरी स्केरी, जैसा कि आपने देखा अंधेरे में तो और भी ज़्यादा स्पूकी लगता है, इसलिए मैं लाइट खोल के खड़ी हुई, क्योंकि अंधेरे में मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जो आपने इंट्रो में पढ़ा था वो कर दीजिएगा, और प्लीज़ जल्दी से 1K कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी जल्दी ज़्यादा कर दीजिए 1K से भी। सो बस मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेके एंड बाय बाय।